नमस्कार, इस समय हम चंदाना गेट पर सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है वो किया जा रहा है। और एनुअल फंक्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुंचे हैं, अभिभावक पहुंचे हैं, और किस तरह से जो शानदार प्रस्तुतियां हैं बच्चों द्वारा दी जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां बच्चे एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। और मैं बात करूँ मुख्य अतिथि के तौर पर, जो नगर परिषद चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग, वो पहुँचे हैं, और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नौज भी पहुँचे हैं। तो तमाम जो किस तरह का जो प्रबंध है वो मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जा रहा है, तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और काफ़ी शानदार जो प्रोग्राम है यहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्य अतिथि चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने यहां सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो आइए बातचीत करेंगे उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है, और बच्चों की प्रस्तुतियां भी दिखाएंगे कि किस तरह का जो शानदार प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज यहाँ बहुत से रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले, पंजाब आप ले आए, राजस्थान ले आए, हरियाणा तो है ही, और देशभक्ति भी साथ साथ। इतने छोटे छोटे बच्चों के ये बच्चे शायद आज एक बच्चे हैं, और आपने उनमें वो प्रतिभा डाल दी कि कल ये शायद बड़े से बड़े कलाकार बन जाए। हमारे देश में जितनी फौजियों की जरूरत है, उतने कलाकारों की भी जरूरत है। शायद इसीलिए स्कूल शिक्षा के साथ साथ ये प्रोग्राम होने भी बहुत जरूरी होते हैं, जहां हम पूरे साल की कार्यशैली, बच्चों की प्रतिभा देखने को मिलती है। जहां हमें बहुत बहुत शुक्रिया पूरी मैनेजमेंट टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सैनी समाज है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे चुनावों में, मेरे इलेक्शंस में इन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और मेरा ही साथ नहीं दिया, बल्कि 5 साल में मुझे लड़ाई लड़ने के लिए अपने समाज से मुझे अपने 5 योद्धा दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो 5 योद्धा आपने मुझे दिए, इतने कर्मठ, इतने प्रतिभाशाली, हमेशा अपने वार्ड के लिए प्रयासशील कि प्रगति हो, बस सिर्फ इतना ही चाहते हैं। हमारे काउंसिल में कोई इलेक्शंस नहीं होता, आप लोगों को तो पता ही होगा, फाइनेंस अप्रूवल कमेटी बनती है, पेमेंट अप्रूवल कमेटी बनी, कोई इलेक्शंस नहीं होता। सिर्फ ये कहते हैं कि मैम जो आपने कह दिया वही नाम लेते, बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी बिल्कुल, मैं आप नगर परिषद की तरफ से और मेरे सभी पार्षदों की तरफ से सावित्री बाई फूले का खून जो हम सबकी रगों में है, आप सबकी रगों में है, उसके लिए हॉल का निर्माण कराने जा रहे हैं आप। तो आज मैं उसके लिए 31 लाख रुपए की घोषणा करूं। ये सैनी स्कूल का जो स्थापना दिवस है 1945 से सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये पहले धर्मशाला के अंदर 1945 में छोटे रूप में था। इसको धर्मशाला के अंदर यानी कि 2000 तक इसमें 1100 बच्चे हो गए थे, इसलिए वहाँ पर जो ज़मीन थी कम पड़ गई थी, इसलिए बरादरी के और सभी बरादरियों के सहयोग से हमने ये ज़मीन लेके और 2000 से ये स्कूल लगातार यहाँ चल रहा है। हर साल इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और जो भी सरकार आती है सभी का इसमें सभी योगदान है, और जो भी है पेरेंट्स जो बच्चे हैं सभी का और सभी बरादरी का बहुत बहुत योगदान है। ये स्कूल प्लस टू तक है। अब की बार हमने इसमें नॉन मेडिकल, हमारी फाइल पास हो गई है, तो अब की बार नॉन मेडिकल भी शुरू कर दिया है। आज बच्चों का जो प्रोग्राम है रंगारंग, ये प्रोग्राम चल रहा है, रंगारंग प्रोग्राम है, यानी कि सभी देशभक्ति के भी हैं इसमें, सभी प्रकार के इसमें जो प्रोवेंस है वो चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो चल रहा है। हाँ, हमारी मांग थी सुरभि गर्ग जी ने, जो हमारे स्कूल के लिए योगदान किया है, हमने डिमांड रखी थी महात्मा सावित्री बाई फुले जी का हॉल बनाने के लिए, तो पीछे हमारी बैक साइड में ही है, 400 गज का प्लाट है, उसमें उन्होंने घोषणा की 31 लाख की, भाई सावित्री बाई फुले का हॉल के लिए उन्होंने वो बनवाया। आज सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ कर देखा इतना भव्य कार्यक्रम और इतना भव्य स्कूल की मैनेजमेंट, और इसका इतना बढ़िया टीचिंग स्टाफ, इतने बच्चों में इतनी अच्छी प्रतिभा, और ख़ास तौर से इतना बढ़िया स्कूल जो चला रखा है सैनी समाज ने, ये सैनी समाज बधाई का पात्र है। मैं सोचता हूँ सैनी समाज जो शिक्षा के प्रति इतना जागरूक है, ये क्यों है? इसलिए है
कि सैनी समाज में इस देश की प्रथम शिक्षिका, प्रथम अध्यापिका सावित्री बाई फुले का डीएनए सैनी समाज के अंदर है, तभी ये शिक्षा की ज्योति को इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका प्रकाश फैला रहे हैं और इसका लाभ सभी वर्ग उठा रहे हैं। अभी हमें ये भी पता लगा कि भी इस स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल की स्ट्रीम भी आ गई है, तो भी जो मेडिकल कॉलेज भी का 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, तो उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ के बच्चे तैयार हैं। 2-3 साल में जैसे ही कॉलेज बनेगा, 2-3 साल में यहाँ के बच्चे प्लस टू करके उसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं ये बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सैनी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, HPS बने और IAS बने। आज मैं सबसे पहले समस्त सैनी सामाजिक शिक्षा समिति की तरफ से हमारी आदरणीय चेयरमैन श्रीमती सुरभि गर्ग जी और उनके ससुर भाजपा नेता श्री सुरेश गर्ग जी नौत जी का हमारे समाज की तरफ से और हमारे सैनी समाज के 5 पार्षदों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी सैनी सामाजिक शिक्षा समिति की मांग थी मैनेजमेंट बॉडी की माता सावित्री बाई फुले का हॉल, तो हमारी आदरणीय चेयरमैन जी ने आज तुरंत प्रभाव से 31 लाख रुपए की घोषणा की है। और मैं इसके अलावा पूरे समस्त सैनी समाज को बधाई देता हूँ, आज हमारे स्कूल का 78वां जन्मदिन है और इसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट को, हमारे पूरे स्टाफ को और सभी स्टूडेंट को और जितने भी मेरे पत्रकार साथी, छायाकार साथी पहुँचे हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारे स्कूल में आज स्कूल का फाउंडेशन डे था, वो सेलिब्रेट किया गया है। हम 2000 से रेगुलर जो है फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो भी सरकार आती है, हम सरकार का भी तहे दिल से बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, सभी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि अभी सुरभि गर्ग जी ने 31 लाख का योगदान दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका दिल से स्वागत करते हैं।